सब्सक्राइब कीजिए विशेषरिया आईटीआई यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग, विशेषरिया आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार, ट्रेड प्रैक्टिकल का अनुदेशक हूँ। मैं आज आप सभी को प्रैक्टिकल में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग का है स्टील रूल। स्टील रूल डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इसे हम लोग मिनिमम 0.5 एमएम तक माप सकते हैं, मैक्सिमम 300 एमएम तक मेजरिंग कर सकते हैं। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील से बना होता है ताकि इस पर जंग ना लगे। दूसरा टूल्स है हम लोग का ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का मेन काम है किसी भी जॉब का 90 डिग्री एंगल और सरफेस चेक करने का। ट्राई स्क्वायर का दो पार्ट्स है, पहला ब्लेड, दूसरा स्टॉक। तो इसका मुख्य काम है 90 डिग्री एंगल चेक करने का। उसके बाद हम लोग के पास टूल्स है हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड। हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड का काम क्या है, किसी भी जॉब का काटने और छांटने का काम करता है। कोई भी जॉब हम लोग जब काटते हैं जो मार्किंग ड्राइंग के अनुसार एक मार्किंग रहता है, उसके हिसाब से हम लोग हेक्सो फ्रेम से काटते हैं। हेक्सो फ्रेम देख रहे हैं आप लोग, जैसे बना हुआ है सी आकार का बना हुआ है। इसका हैंडल है, इसको फ्रेम बोलते हैं, और ये ब्लेड है, और इसको हम लोग बोलते हैं विग नट। ये रहा हम लोग का हेक्सो फ्रेम। उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्लैट बास्टेड फाइल। फ्लैट बास्टेड फाइल जो आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रेती, जो हम लोग को प्रैक्टिकल में एक महत्वपूर्ण काम यूज किया जाता है। जो कोई भी जॉब के ऊपर जो उभरा हुआ मेटल रहता है उसको फाइलिंग करके यानी रेत कर हटाया जाता है। वास्टेड फाइल जो हाई कार्बन स्टील से या हाई स्पीड स्टील से बना होता है। उसके बाद हम लोग पास है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल का हम लोग प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग को हाफ सर्कल को फाइलिंग करना होता है, वहाँ पर हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख इसमें देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे एक तरफ से उभरा हुआ है और दूसरा तरफ से चपटा हुआ है। तो ये उभरा हुआ भाग हम लोग को हाफ सर्कल में यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग के पास है, जैसे देख रहे हैं आप लोग, स्क्वायर फाइल। जैसे आप लोग बनावट के अनुसार ये स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग इसको स्क्वायर फाइल नाम दिया जाता है। इसका काम है मुख्यतः किसी भी ग्रूव या किसी भी खांचे में फाइलिंग करने का। उसके बाद हम लोग के पास जो टूल्स है वो है स्क्राइबर। स्क्राइबर का मुख्य काम है किसी भी जॉब के ऊपर लाइनिंग करने का। जैसे कोई भी जॉब के ऊपर जब हम लोग मार्किंग मीडिया लगाते हैं, उसके बाद मार्किंग करते हैं और लाइन खींचते हैं, वहाँ पर हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर जैसे आप लोग जानते हैं, इसका मुख्यतः तीन नाम है, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्मोफ्लोराइड कैलिपर। जेनी कैलिपर का मुख्य काम है किसी भी जॉब के ऊपर पैरेलल लाइन खींचने का। उसके बाद हम लोग के पास जो टूल्स है वो है डिवाइडर। डिवाइडर का जैसे आप लोग देखते हैं डिवाइडर, जैसे हम लोग भी कभी बचपन में जैसे 9-10 है तो पढ़े हैं, उसमें भी डिवाइडर रहता है। उसका मुख्य काम क्या होता है हम लोग का, किसी भी जॉब के ऊपर सर्कल खींचना या चाप बना, जैसे हम लोग हाफ कट करते हैं उस जगह पर हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास जो टूल्स है वो है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर इसका मुख्य काम क्या है, आउटसाइड कैलिपर किसी भी जॉब का बाहरी व्यास लेने में मदद करता है। यह एक अप्रत्यक्ष मेजरिंग टूल्स है। उसके बाद हम लोग इसी क्रम में है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का मुख्य काम क्या है, किसी भी अंदरूनी भाग का व्यास चेक करना या किसी भी खांचे का लंबाई या चौड़ाई को चेक करना। उसके बाद हम लोग के पास जो टूल्स है डॉट पंच। डॉट पंच का मुख्य काम क्या है, किसी भी जॉब के ऊपर जब हम स्क्राइबर या जेनी कैलिपर जो लाइनिंग किए हैं और लाइनिंग को पक्का करने के लिए हम लोग डॉट पंच का यूज करते हैं, ताकि जब हम लोग हेक्सा फ्रेम से उसको काटे तो लाइन मिटे ना। इसीलिए इसका मुख्य काम है किसी जॉब के ऊपर डॉट पंच करना, किसी लाइन को पक्का करना। उसके बाद हम लोग पास है बॉल पेन हैमर।
बॉल पेन है, जैसे आप लोग जब देखे हैं यह बॉल, इसका ऊपर जो पेन जो दिखता है बॉल की तरह, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का मुख्य काम क्या है? पंचिंग करने में सहायता करना, चिपिंग करने में सहायता करना, अचीजल जैसे हम लोग हल्का फुल्का जो ठोक पीट काम करते हैं उसमें इसका मुख्य काम होता है। उसके बाद हम लोग पास है एक चीजल, चीजल यानी छेनी। छेनी का मुख्य काम क्या है? किसी भी जॉब को छोटा मोटा काटना या छीलना। इसी तरह हमारा आज का कुछ टूल्स जैसे हम लोग देखे हैं, स्टील रूल है, ट्राई स्क्वायर है, एक्सा फ्रेम है, बास्टिड फाइल है और अन्य बहुत सारा टूल्स है जो हम बार बार आपको बारी बारी हर बताते जाएंगे, जैसे हम लोग यूज करेंगे उसे बताते जाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन दबा लें